हिंसा पर उतरी शिवसेना, सिंधे की करीबी विधायक सावंत के घर तोड़फोड़, उद्धव ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच पांचवें दिन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत के घर पर तोड़फोड़ की है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, तोड़फोड़ शिवसेना सांसद संजय राउत की चेतावनी के कुछ घंटों के बाद सावंत के घर पर तोड़फोड़ हुई है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि विधायकों की सुरक्षा हटा ली गई है, अगर उनके परिवार को कुछ हुआ तो उसके लिए उद्धव और आदित्य ठाकरे जिम्मेदार होंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सियासी हंगामे को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, वहाँ शिंदे भी मीटिंग कर रहे हैं, इधर उद्धव ठाकरे ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई। गुवाहाटी में बागी विधायकों की मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 38 विधायकों की सूची जारी की। गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री या गृह मंत्रालय ने राज्य के किसी भी एमएलए की सुरक्षा हटाने का आदेश नहीं दिया है। इस संदर्भ में ट्वीट करके लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाले हैं। जालना में शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर की 78 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस भी सहयोगी दलों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। वे भी कुछ देर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले से मुलाकात कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने में हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 30 जून तक कानून व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। क्षेत्र में लाठी हथियार पोस्टर जलाना पुतला जलाने पर रोक लगा दी गई है। संजय राउत बोले, शिव सैनिक शांत है, इसका अर्थ यह नहीं कि कमजोर है, अगर ये भड़के तो आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी। उद्धव जी ने सबको शांत रहने के लिए कहा है। उद्धव ठाकरे का बयान, शिंदे ने नहीं मानी मेरी बात। उद्धव ने शुक्रवार को शाम शरद पवार के साथ 2 घंटे मीटिंग की, इसके बाद उन्होंने शिवसेना के नगर सेवकों को संबोधित किया। ठाकरे ने कहा कि कुछ दिन पहले जब मुझे बगावत का शक हुआ तो मैंने एकनाथ शिंदे को फोन किया और कहा कि शिवसेना को आगे ले जाने का अपना कर्तव्य निभाओ, ऐसा करना सही नहीं है।